सीजन वन के डांसिंग सेंसेशन का मेल सीजन थ्री के डांसिंग सेंसेशन से होने जा रहा है। जी हाँ, प्रिंस ऑफ लॉकिंग एंड पॉपिंग आ रहे हैं किंग ऑफ स्लो मोशन के साथ। पेश है डांसिंग स्टार प्रिंस और टेंस की टोली के डांसिंग स्टार क्रॉक्रो। मैंने डांस इंडिया डांस से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज 2 साल बाद दोबारा हम आ रहे हैं उसी डांस के मंच पे, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल ओकेजन है जो है डीआईडी ने अपने 100 एपिसोड कंप्लीट किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं अपने फेवरेट, जो मेरा उस टाइम पे सबसे फेवरेट था प्रिंस, उसके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसे देख के मैंने सोच लिया था कि मैं भी अब डीआईडी में जाऊँगा क्योंकि वो भी यूनिक है और मुझे भी कुछ यूनिक करना था। डांस तो सब कर लेते हैं, बट जो एक एक्स फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ कुछ लोगों में होता है और राघव में वो चीज़ है। अब आप देखेंगे प्रिंस और राघव को साथ में परफॉर्म करता हुआ, एंड आई होप कि ये लॉकिंग एंड पॉपिंग और स्लो मोशन का स्टाइल आपको अच्छा लगे और आप सब ये हमारा परफॉर्मेंस एंजॉय करें। बॉडीगार्ड प्रिंस गुप्ता एंड राघव जुयाल रिपोर्टिंग। मैडम वरी मैडम, कोई आपको टच भी नहीं कर सकता हमारे अलावा। बॉडीगार्ड्स कम इन, खबर मिली है कि सेट पर बॉम है। इनिशिएटिंग डायरेक्टिव डिस्ट्रॉय। सलाम, बॉम्ब नहीं बाम था, अबे झंडू। हम पे एक एहसान करना, गीता माँ को कभी परेशान मत करना। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कॉल गाइस, ज्यादा तालियां हो जाए प्रिंस और क्रॉक रॉस के लिए। क्या बात है भाई, भाई क्या परफॉर्मेंस दिया यार, सुपर्ब है भाई। बताओ ना, क्रॉकरोच के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा इसके साथ काम करके। सबसे पहली बात कि ये दिल से नाचता है और ये जैसा रियलिटी में रहता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, बहुत अच्छा बंदा है और उसके साथ परफॉर्म करके बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, सीरियसली। चलिए फिर मास्टर से पूछते हैं, स्पेशली शुरू करेंगे। एक मिनट, ये पहली बार ऐसे सुकुड़े बॉडीगार्ड देखे दादा।
सच में दादा मैं भी यही कहने वाला था. एंड गार्ड किसको कर रहे हैं देखो. सो मासी गीता अभी से मैं शुरू करूंगा. कैसा लगा ये दो बॉडीगार्ड्स आपको? प्रिंस एक स्टाइल लेके आए थे आप सीजन वन में जो आपका स्टाइल था एंड दैट वाज फिनोमिनल. आप एक फिनोमिना तब थे और सीजन थ्री में कॉकरोच आए हैं अपना एक स्टाइल लेके. तो दो ऐसे फिनोमिनाज जब साथ में आते हैं तो इट हैज टू बी अ फिनोमिनल एक्ट. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. सो यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब. थैंक यू. मुझे बहुत मजा आया और हैड अ वेरी 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 नाइस टाइम बीइंग पार्ट ऑफ दिस एक्ट. सो थैंक यू वेरी मच. दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. कॉमिक टाइमिंग थी इसमें बट जो बीच का रोबोटिक आया था दैट वॉज आउटस्टैंडिंग. दैट पीस वॉज आउटस्टैंडिंग. ग्रेट टू सी प्रिंस एंड राघव टुगेदर. मैं सोच रहा था कुछ ऐसा धमाका होगा जो हुआ एक्चुअली एंड फैंटास्टिक. फैंटास्टिक. 100th एपिसोड में प्रिंस आप आए और इसको आपने चार चांद लगा दिए. वेरी वेल परफॉर्म द टू ऑफ यू. और जिस तरह से आपने इंडिविजुअल सोलो सेक्शंस किए ओ माय गॉड. प्रिंस आपने शुरू किया फिर इसके बाद कॉकरोच आपने जो फ्लोर पे किया जो स्मूथनेस थी ओह आउटस्टैंडिंग. थैंक यू. हैट्स ऑफ. थैंक यू. सुपर. थैंक यू. सुपर. सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ. प्रिंस मेरा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मतलब बहुत इंस्पिरेशन था क्योंकि जब सब डांस करते थे बहुत अच्छा करते थे अच्छा लगता लेकिन जब प्रिंस आता था एक गूज़बम्स खड़े होते थे कि ये क्या अलग क्या कर रहा है क्या क्यों कैसे. तो मैंने भी इसी को इंस्पिरेशन लेके उसके बाद DID 2 में नहीं आया किसी में नहीं आया लेकिन मैं DID 3 तक जब तक पूरा तैयार नहीं था एक अलग एक कुछ दिखाने के लिए कि कुछ डिफरेंट. तो वो इसी ने मुझे इंस्पिरेशन दिया प्रिंस गुप्ता ने. और आज मैं कितना लकी हूँ कि उसका मैंने वाला स्टेप इसके साथ किया और मुझे आज पता लगा कि अगर लेफ्ट हैंड से करता है मैं हमेशा राइट हैंड से करता था. तो थैंक यू. आई एम फीलिंग सो लकी. थैंक यू प्रिंस. क्या बात है. थैंक यू सो मच मास्टर्स. ग्रैंड मास्टर आपको इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा लगा? पहले तो बताओ भाई तुमने इधर आके क्या कहा कि हम पे एक एहसान करना कि गीता माँ को तंग नहीं करना. हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. वो मैं कैमरा का एंगल भूल गया था. एनीवेज प्रिंस आपको देखकर बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. पुरानी यादें वापस आ गई. यू हैव बीन अ फैंटास्टिक डांसर एंड विद राघव इट वाज माइंड ब्लोइंग. एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. क्या बात. And let's hear it for Cockroach and Prince. Thank you. Thank you. India, dance India, dance.